पटना के एक होटल में चेंज नो मर्सी टू क्राइम के स्टार्स ने अपनी फिल्म का प्रचार किया, जिसमें उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। चेस फिल्म 2 अगस्त को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है, जिसके प्रमोशन के लिए फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एवं कलाकारों ने फिल्म की ट्रेलर दिखाकर एवं उनसे जुड़े सवालों का जवाब देकर की। आपको बता दें कि फिल्म के दोनों कलाकार पहली दफा बड़े पर्दे के लिए काम कर रहे हैं एवं उनके साथ में क्राइम पेट्रोल के नामी कलाकार गुलशन पांडे ने अपनी भूमिका की है। डायरेक्टर SRG के मुताबिक फिल्म को बनने में 3 महीने एवं 10 करोड़ की लागत आई है। प्रोड्यूसर मीना सेट्टी मंडल ने बताया कि फिल्म की कहानी बंगाल पुलिस द्वारा दिखाए गए वीरता की सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी झारखंड स्थित डाकू पिता पुत्र शीलेंद्र और सत्येंद्र यादव द्वारा की गई एक ट्रेन डकैती की कहानी है। एक ऐसी डकैती जिसमें दो राज्य की सरकारों के पुलिस और राजनेता भी एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। घटनाओं की श्रृंखला वास्तविक अपराधी की वास्तविक पहचान को उजागर करती है। एक ऐसा अपराधी जो नेपाल बैंकॉक होते हुए अपने मंसूबों में आगे बढ़ता है। क्या यह मास्टरमाइंड बंगाल पुलिस के हाथ आएगा? इस चेज में क्राइम है, एडवेंचर है, एक्शन है, म्यूजिक है। फिल्म की शूटिंग कलकत्ता, झारखंड, नेपाल और बैंकॉक के खूबसूरत लोकेशंस पर की गई है। फिल्म का संगीत जी म्यूजिक ने जारी किया है। फिल्म 2 अगस्त 2019 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस अवसर पर निर्देशक SRG ने कहा कि आपको इस फिल्म में रियल स्टोरी पर बेस्ड एक ऐसी फिल्म देखने को मिलेगी जिसमें बंगाल के पुलिस के एक सक्सेसफुल ऑपरेशन की रोमांचक कहानी है जो इतिहास में गुम हो गई है। फिल्म में हमने एक बेहद तरके वाला सॉन्ग 1:1 भी फिल्माया है जो भोजपुरी अंदाज में है, जिसे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून सबको, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारा ट्रेलर देखा और उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। और आपको अगर पसंद आया तो मुझे लगता है कि बाकी पब्लिक को जरूर अच्छा लगेगा। लेकिन मैं ज्यादा नहीं बोलते, मैं ये चाहती हूँ कि हमारे डायरेक्टर साहब SRG उनके मुंह से सुनिए कि उन्होंने पूरा ऑर्नामेंटल कैसे और बच्चों को लेकर इन लोग को दौड़ कर आया। सुस्त जीवन हम लोग बिता सके, ये बेंगलोर पुलिस का एक रियल स्टोरी है। मगर मैं डेडिकेटेड कर रहा हूँ, ये पूरा इंडिया का जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं, जितने भी जहाँ हैं, छोटा से लेकर बड़ा तक जो भी पोस्ट में वो लोग हैं, ये सबके लिए सबने बहुत काम करते हैं। शायद हम लोग का गलती है कि हम लोग उन लोगों का साथ कोऑपरेट नहीं कर सकते। उन लोग का छोटा सा गलती हम लोग बहुत आंखों से लेते हैं, छोटा सा गलती, वो लोग है तो हम लोग है, ये पिक्चर में यही दिखाया गया है। फिल्म स्टार्स को बुला लिया जाता है, नहीं पुलिस को बुलाना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि वो सही संवाद के हकदार है। वो है तो हम अपने घरों में चांसेस हो रहे हैं। और हमारी पुलिस के लिए, पूरे देश की पुलिस और सेना के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। सो उस पहली फिल्म के बाद ये दूसरी फिल्म में इनके साथ काम करना इनके साथ बहुत आसान था, पर फिर भी थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स तो होते ही है। बट एट द एंड ऑफ द डे इफ द वर्क इज गुड, वी बोथ आर, वी ऑल आर सैटिस्फाइड, नथिंग लाइक इट। कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स अगर हो रहे तो इट्स काम अच्छा हो रहा है। तो आप अपनी बात रख रही हूँ सर, एक बार सीखने के लिए तो मूवी देखनी पड़ेगी आपको, यहाँ तो कोई आंसर नहीं है। तो जब आप पूरा साल पढ़ाई करते हैं तो एग्जाम का रिजल्ट वेट करना पड़ता है, तो ये अभी एग्जामिनेशन हुआ, रिजल्ट का वेट 2 अगस्त। मेरे पास पुलिस की नहीं है, पुलिस की हेल्प करने के लिए एक सोर्स जो होता है नेपाल में, और नेपाल से लेकर बैंकॉक तक मैं पुलिस की टीम हेल्प करता हूँ क्रिमिनल को पकड़ने में। सर कितना चैलेंज कल भी था और चूंकि बिहार आए हैं, आपने काफी सुना होगा इसके बारे में, अब कितना कुछ देखते हैं इसके सर? चैलेंजिंग तो एक एक्टर के लिए हर काम होता है, कोई भी नया काम मिल जाए, बस ये है कि हम लोग अपनी मेहनत पूरी शिद्दत से करते हैं। और SRG